एक तरफ तो शासन एक गांव से दूसरे गांव को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर मैनपुर ब्लॉक मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मैनपुर कला है, जो इस योजना से आज भी काफ़ी दूर है। ये जो है नाला में थोड़ा तकलीफ होते, नाला दो तीन बार ऐसे फूट गए है। अब गांव वाला के सहयोग से थोड़ा बहुत बन जाते और बनाए भी जाथन हमन, अब गाड़ी चलाना है तो बनाथन भी। बस नाला की समस्या है, थोड़ा बरसात में आ जाए बहुत तकलीफ होती। ये है लगभग हो गई अब 3 साल हो गई से पुल थोड़ा बहुत ठीक रही टूट गई। हाँ तो अब ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। और ट्रैक्टर तो एक बार फंस भी गिरी से और बीच में पूरा धस गिरी से, अब चलना है अब चलाना है करके हम खुद बना लेते हैं। बाहर गांव के ड्राइवर मन है अब अनुभव नहीं है तो 4-5 बार नाला के नीचे गिर गया लग गई से। ये अभी बीच में 15 दिन पहले एक ठो गरियाबंद से आ रही से ट्रैक्टर, वह पूरा गिर गिरी से। एक यही रास्ता है आप मन के गांव में आए जाए के लिए कि और भी रास्ता है? यह मेन पड़ जाते मैडम, यहाँ से हमारे 4-5 ये यहाँ पंचायत में पारा होते तो सभी जगह ये घूम जाती है होते। हम वही चाहता कि बनना चाहिए कि वीडियो दिखे और ये सब चीज हमार नाला हमार गांव के बन जाए तो हमार गांव में भुखमरी बेरोजगारी ये सब चीज हमार मन के अच्छा से चल पाए। हाँ रोजगार चल पाए, रोजगार हमार चल पाए। मैं यह वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे भी इस गांव में आना पड़ता है और इसी क्षतिग्रस्त पुल और उखड़ते हुए सड़कों से होके मुझे जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ मैनपुर कला के जो क्षतिग्रस्त पुल है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़क निर्माण किया जाए, जिसके लिए जितने भी लोग यह वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि सड़क निर्माण और पुल निर्माण के लिए गरियाबंद जिला के कलेक्टर को उनके ऑफिस के नंबर 07706241455 पर कॉल कर दबाव बनाएं और सड़क और पुल निर्माण के लिए कहें। मैं रीना रामटेके, मैनपुर कला, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।